नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। खत्म हो गया स्वामी प्रसाद मौर्य का पॉलिटिकल कैरियर। दल बदल की सजा ऐसी कि अब नहीं लेगी कोई पार्टी, कभी अपना दल तो कभी बसपा, फिर बीजेपी और अब समाजवादी पार्टी से भी ले लिया इस्तीफा। बता दें, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है। 22 फरवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे। स्वामी की पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी होगा। दरअसल आपको बता दें कि अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से अलग हो गए हैं। उन्होंने नई पार्टी को पुनर्गठित कर दिया है। इस पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पार्टी का झंडा भी लॉन्च कर दिया है, जो कि नीले, लाल और हरे रंग को मिलाकर बनाया गया है। अब इसी के साथ आपको बताते चले कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को 2013 में ही बनाया गया था। अलीगढ़ के रहने वाले साहेब सिंह धनगर ने 2013 में यह बनाई थी पार्टी। साहेब सिंह धनगर साल 1993 में BSP से विधानसभा चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2002 में सपा से भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद BSP से लोकसभा भी वो लड़े थे। उसके बाद साल 2013 में इन्होंने RSSP पार्टी बनाई। उसके बाद साल 2014, 2017 और 2019 का चुनाव इनकी पार्टी लड़ी थी। 2020 में इन्होंने इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि IDA बनाया, जिससे कई छोटे छोटे दल उसके साथ जुड़े। उसके बाद इस अलायंस ने 2022 का चुनाव लड़ा था। वहीं साहेब सिंह धनकर इस पार्टी के फाउंडर हैं। और अब आपको हम ये भी बताते चलें कि आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा पार्टी से अलग होने का निर्णय क्यों लिया। नहीं, अनेक मौके पर कहे, ये निजी मौर्य जी का निजी बयान है। आखिर उनकी भी इज्जत एक राष्ट्रीय महासचिव की है, मेरी भी इज्जत एक राष्ट्रीय महासचिव की है। एक राष्ट्रीय महासचिव का बयान पार्टी का हो जाता है और दूसरे राष्ट्रीय महासचिव का बयान निजी हो जाता है, ये भेदभाव क्यों? अगर यही भेदभाव होना है तो ऐसा भेदभावपूर्ण पद मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो भेदभाव के खिलाफ लड़ता ही हूँ। मैं तो देश में जो विषमता है, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच का जो भेदभाव है, उस भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मेरे साथ भी यदि कोई भेदभाव होता है, पंथ के साथ भेदभाव होता है, गरिमा के साथ भेदभाव होता है, तो स्वाभाविक रूप से मैं उस पर प्रतिकार करूंगा ही करूंगा। और जो 13 फरवरी के पत्र में स्पष्ट है। बता दें कि बीते दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसकी जानकारी अपने एक्स अकाउंट पर दी थी, जिन्होंने त्याग पत्र के जरिए उन्होंने पोस्ट करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को टैग करते हुए लिखा कि मैं नहीं समझ पाया कि मैं एक राष्ट्रीय महासचिव हूँ जिसका कोई भी बयान निजी बयान हो सकता है। और पार्टी के कुछ राष्ट्रीय महासचिव व नेता ऐसे भी हैं जिनका हर बयान पार्टी का हो जाता है। एक ही स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो सकता है, यह समझ के परे है। और इसी के कारण स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब अपनी नई पार्टी 22 फरवरी को बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसका नाम RSSP है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।